इस क्वेश्चन में कह रहा है शालिनी हैज़ टू कट आउट सर्कल्स ऑफ डायमीटर 1 होल 1/4 सेंटीमीटर। शालिनी को 1 होल 1/4 सेंटीमीटर के सर्कल्स कट करने हैं फ्रॉम एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप ऑफ डायमेंशन। ये एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप है जिसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ दे रखी है हमें 8 होल 3/4 सेंटीमीटर और हमें ब्रेथ दे रखी है 1 होल 1/4 सेंटीमीटर की। हाउ मेनी फुल सर्कल्स कैन शालिनी कट, इसमें से कितने सर्कल्स कट कर सकती है ये बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले सर्कल्स निकाल लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, ऑल्सो कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप, और कितनी एल्यूमिनियम स्ट्रिप वेस्ट हुई है वो भी निकालना है। तो सबसे पहले हम कितने सर्कल्स कट कर सकती है वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें लेंथ दे रखी है। तो देख लेते हैं लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप दे रखी है हमें, दैट इज 8 होल 3/4 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 8 = 32, 32 + 3 = 35/4 सेंटीमीटर हो गया, राइट। अब हमें पता है एक सर्कल कितने डायमीटर का हो रहा है, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना आ गया, देखिए हमें देखा है 1 होल 1/4 सेंटीमीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब इसमें से हमें नंबर ऑफ सर्कल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ सर्कल्स कैसे निकालेंगे, बड़े की लेंथ को छोटे की लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिप को डिवाइड कर देंगे डायमीटर ऑफ सर्कल से, तो कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिप है 35/4, 35/4 को डिवाइड कर देंगे डायमीटर से, डायमीटर है 5/4, तो ये कितना आ गया 35/4 एज इट इज़, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो गया और डिवाइड के बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, 5 1s are 5, 5 7s are 35, तो ये कितना आ गया 7। तो हमें पता चल गया इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप में 7 सर्कल्स निकल सकते हैं। अब हमें वेस्टेज निकालनी है, कितनी वेस्टेज हुई है। तो वेस्टेज कैसे निकालेंगे, बड़े के एरिया में से छोटे का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा वेस्टेज आ जाएगी, वही करेंगे। तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप, एल्यूमिनियम स्ट्रिप क्या होगा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ थी हमारी 8 होल 3/4 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी हमारी 1 होल 1/4 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 4 8 = 32 + 3 = 35/4 सेंटीमीटर इंटू 5/4, तो कितना आ गया 5 5s are 25, 2 carry, 5 3s are 15 16 17 / 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप। अब इसी तरीके से सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल जो कितना आ जाएगा, हमें पता है πr² होता है, πr²। पाई की वैल्यू थी 22/7 और r कैसे निकलेगा, d/2 करके, तो यहाँ साइड में निकाल लियो, d/2 हमारा होता है r। तो d कितना आया अभी अभी हमारा 5/4, 5/4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ गया 5/4, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ गया 5/8, तो वही करेंगे 5/8 की 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो ये कितना आ गया 25 into 11, तो 25 into 11, 11 5s are 55, 5 carry, 11 2s are 22, 27, तो ये आ गया 275/, 7 4s are 28 into 8, 8 8s are 64, 8 2s are 16, 22, यह आ गया 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक सर्कल का एरिया आ गया है और हमें पता है पूरी स्ट्रिप में 7 सर्कल्स बने थे, तो 7 सर्कल्स का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ 7 सर्कल, तो ये आ गया 7 × 275। एक की वैल्यू दे रखी थी, ज़्यादा की निकालनी थी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या है। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14। तो ये कितना आ गया 275/32 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा 7 सर्कल्स का एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वेस्टेज निकालना है। तो वेस्टेज कैसे निकालेंगे, बड़े के एरिया में से छोटा का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा वेस्टेज निकल के आ जाएगा। तो वेस्टेज, अब इस एल्युमिनियम में बड़ा एरिया किसका था, एल्युमिनियम का, तो एरिया ऑफ एल्युमिनियम में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 7 सर्कल, 7 सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कितना था, 175/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 सर्कल का एरिया था 275/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एलसीएम ले लेंगे। देखिए 16 और 32 का एलसीएम 32 ही आता है, आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। अब 16 × 2 = 32 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 175 में माइनस 275, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 175 इज 2 5s are 10, कैरी 1, 2 7s are 14, 15, 2 1s are 2 and 3, माइनस 275/32। तो ये कितना आ गया, 10 में से 5 गए 5 एंड 14 में से 7 गया 7 अपॉन 32, आगे कट नहीं सकता। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गई है, वेस्टेज हो गई है। आप चाहें, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके, देखिए 32 से डिवाइड कर देंगे 75 को, 2s are 64, तो ये कितना आ गया 11। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 whole 11/32 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गई, वेस्टेज इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 फ्रूट सैलेड रेसिपी रिक्वायर्स 1/2 कप ऑफ शुगर। एक फ्रूट सैलेड रेसिपी में 1/2 कप ऑफ शुगर चाहिए। अनदर रेसिपी फ्रॉम द सेम फ्रूट सैलेड रिक्वायर्ड 2 tablespoons ऑफ शुगर। दूसरी रेसिपी जो फ्रूट सैलेड की है उसमें 2 tablespoons ऑफ शुगर चाहिए। इफ़ 1 tablespoon इज़ इक्विवेलेंट टू 1/16 कप, अगर 1 tablespoon 1/16 कप ऑफ शुगर के इक्वल है, हाउ मच मोर शुगर डज द फर्स्ट रेसिपी रिक्वायर्ड, कितनी मोर शुगर रिक्वायर्ड है फर्स्ट रेसिपी में, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए 143 फर्स्ट रेसिपी में हमें 1/2 कप ऑफ शुगर चाहिए, ये पता है। फर्स्ट रेसिपी रिक्वायर्ड 1/2 कप ऑफ शुगर, राइट, कप ऑफ शुगर। अब सेकंड रेसिपी की बात करें, सेकंड रेसिपी, सेकेंड रेसिपी में हमें 2 tablespoons शुगर चाहिए, रिक्वायर्ड है 2 tablespoons। अब 1 tablespoon की वैल्यू दे रखी है हमें, 1 tablespoon = 1/16 कप, राइट। तो 2 tablespoons कितना होगा, देखिए 2 tablespoons कितना होगा, 1 की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 1/16 कप। तो ये कितना आ गया 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो दैट मीन्स हमें 1/8 कप चाहिए सेकंड टाइप ऑफ सैलेड में, राइट। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच मोर शुगर डज द फर्स्ट रेसिपी रिक्वायर, फर्स्ट रेसिपी में कितनी और ज़्यादा शुगर रिक्वायर्ड है सेकेंड रेसिपी से ये बताना है। तो मतलब फर्स्ट रेसिपी में ज़्यादा शुगर रिक्वायर्ड है, तो सेकेंड रेसिपी से फर्स्ट रेसिपी में कितनी ज़्यादा डली है ये कैसे निकालेंगे? शुगर रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, हम रेसिपी फर्स्ट में से रेसिपी सेकेंड की शुगर माइनस कर देंगे। अब रेसिपी फर्स्ट में 1/2 कप चाहिए थी और रेसिपी सेकेंड में 1/8 कप चाहिए शुगर, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 2 और 8 का एलसीएम लेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन है, तो क्या आ जाएगा? 2 1s 2, 2 4s 8, 2 2s 4 एंड 2 1s 2, तो कितना आ गया एलसीएम? 2 2s 4, 4 2s 8 आ गया। अब 2 4s 8, 4 की मल्टीप्लाई 1 में माइनस 8 1s 8, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो ये कितना आ गया? 4 1s 4 माइनस 1 1s 1 अपॉन 8, तो ये आ गया 3/8। तो फर्स्ट रेसिपी में 3/8 कप शुगर ज़्यादा चाहिए सेकेंड रेसिपी से। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 4 फ्रेंड्स हैव अ कॉम्पिटिशन टू सी हाउ फार कुड हॉप ऑन 1 फुट। 4 फ्रेंड्स ने कॉम्पिटिशन किया ये देखने के लिए कि वो फुट पे एक बार कूदने पे कितना ऊंचा कूद सकते हैं। द टेबल गिवन शोज, तो ये जो टेबल है ये क्या शो कर रही है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच, हर एक का कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। हाउ फादर डिड सोनी हॉप देन नैन्सी, सोनी ने नैन्सी से कितना ज़्यादा हॉप किया है ये बताना है। तो कैसे करेंगे? देखिए 144 के ए पार्ट में सोनी हॉप देन नैन्सी, नैन्सी ने कम किया है इसका मतलब, तो सोनी के हॉपिंग में से हॉपिंग डिस्टेंस में से डिस्टेंस हॉप बाय सोनी में से माइनस कर देंगे डिस्टेंस हॉप बाय नैन्सी। तो कितना डिस्टेंस हॉप किया है सोनी ने? दैट इज 1/20 माइनस कर देंगे डिस्टेंस हॉप बाय नैन्सी, दैट इज 1/32। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 2 और 32 में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो एलसीएम ले लेंगे 20 और 32 का, तो ये कितना आ गया? 2 से गया 2 1s 2 0, 2 1s 2, 2 6s 12, अगेन 2 से 2 5s 10, 2 8s 16। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 8 5s 40, 40 4s 160, तो हमारा एलसीएम आ गया 160। अब हमें पता है 28s 160, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 में हो गई माइनस 32 5s 160, तो 1 की मल्टीप्लाई 5 में हो गई। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे 8 1s 8, 5 1s 5 अपॉन 160, तो ये कितना आ गया? 3/160 किलोमीटर, क्योंकि यूनिट किलोमीटर में है, तो इतना किलोमीटर ज़्यादा हॉप किया सोनी ने नैन्सी से। आंसर। लेट्स डू बी पार्ट नाउ। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सीमा एंड मेघा, सीमा और मेघा का टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ये बताना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड by Seema and Megha, दोनों के डिस्टेंस ऐड कर देंगे टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सीमा प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय मेघा, तो सीमा ने कवर्ड किया 1/25 डिस्टेंस प्लस मेघा ने कवर्ड किया 1/40। अब क्योंकि 25 और 40 में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो हम एलसीएम निकाल देंगे 25 और 40 का। तो देखिए 2 से गया 25 एज इट इज़, 20s इज़ 40, अगेन 2 से चला जाएगा 25 एज इट इज़, 2 10s 20, अगेन 2 से 25 एज इट इज़, 2 5s एंड 5 से गया 5 5s 25, 5 1s, तो 2 2s 4, 4 2s 8, 8 5s 40, 40 5s 200, तो हमारा 200 एलसीएम आ गया। आप देखिए 25 8s 200, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 में हो गई प्लस 45s 200, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 में हो गई। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 8 1s 8 प्लस 5 1s 5 अपॉन 200, तो ये कितना आ गया 13 अपॉन 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया दोनों ने मिलके, किसने, सीमा और मेघा ने मिलके। आंसर लेट्स डू सी पार्ट नाउ। अब लास्ट पार्ट में कह रहा है हु वॉक्ड फर्दर, नैन्सी और मेघा, नैन्सी और मेघा में से कौन ज़्यादा चला ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए नैन्सी चली 1/32 किलोमीटर और मेघा चली दैट इज़ 1/40 किलोमीटर, राइट। अब इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम कर लेते हैं, कैसे, एलसीएम निकाल लेते हैं 32 और 40 का। तो देखिए 2 से गया 2 1s 2, 2 6s 12, 20, अगेन 2 से 2 8s 16, 2 10s 20, अगेन 2 से 2 4s 8, 2 5s 10। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, 16 5s 80। तो इसका मतलब हम हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स 80 बनाने हैं। तो कैसे करेंगे, 32 5s 80, तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर भी हो गई, एंड 42 2s 80, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई, तो ये कितना आ गया 5/80 आ गया, और ये आ गया हमारा 2/80। तो देखिए जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा है उसने ज़्यादा वॉक की, तो दैट मीन्स नैन्सी वॉकड मोर देन मेघा। आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द टेबल गिवन बिलो, ये जो टेबल दी हुई है शोज द डिस्टेंस शो कर रही है, राइट, इन किलोमीटर्स बिटवीन 4 विलेजेस ऑफ अ स्टेट, 4 विलेजेस के बीच का डिस्टेंस शो कर रही है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 विलेजेस, 2 विलेजेस के बीच का डिस्टेंस कैसे शो किया जाएगा, लोकेट द स्क्वायर वेयर द रो ऑफ वन विलेज एंड द कॉलम ऑफ फॉर द अदर विलेज इंटरसेक्ट। वो कह रहा है कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाएगा 2 विलेजेस के बीच में, लोकेट द स्क्वायर वेयर द रो फॉर वन विलेज एंड द कॉलम फॉर अनदर विलेज इंटरसेक्ट, जहाँ पे एक विलेज की रो और दूसरे विलेज का कॉलम इंटरसेक्ट करे जाएगा, वो उसका डिस्टेंस होगा, उन दोनों विलेजेस के बीच का डिस्टेंस माना जाएगा। अब क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन, हमें डिस्टेंस कंपेयर करना है हिमगांव एंड रावलपुर, हिमगांव एंड रावलपुर। तो हिमगांव और रावलपुर का डिस्टेंस, देखिए ये है हिमगांव का डिस्टेंस और ये है रावलपुर का, तो हमें ये वाला डिस्टेंस देखना है एक तो, और दूसरा क्या कह रहा है टू सोनापुर एंड रामगढ़, तो सोनापुर का डिस्टेंस है ये और रामगढ़ का ये, तो इसका मतलब दूसरा डिस्टेंस ये है, राइट। हमें इन दोनों डिस्टेंसेस को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है, कैसे निकालेंगे ए पार्ट का। तो डिस्टेंस बिटवीन हेमगांव एंड रावलपुर कितना दे रखा है, दैट इज हेमगांव और रावलपुर के बीच का डिस्टेंस 98 3/4 किलोमीटर दे रखा है, राइट। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 98 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 4 8s 32, 4 9s 36, 37, 38 एंड 39 प्लस 3, तो ये आ गया 395/4 किलोमीटर। अब इसी तरीके से डिस्टेंस निकाल देंगे सोनापुर एंड रामगढ़ के बीच का, तो डिस्टेंस बिटवीन सोनापुर एंड रामगढ़, है हमारा कितना है 40 होल 2/3 किलोमीटर। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 43 इज 120, 120 + 2 इज 122/3 किलोमीटर। अब देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे जिससे कि हम पता लगा सकें किसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ साइड में कर रही हूँ 395/4 है और ये है 122/3। तो इसको हम 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 3 5s are 15, carry 1, 3 9s are 27, 28, 2 carry, 3 3s are 9 10 and 11/12। इसी तरीके से 4 2s are 8, 4 2s are 8 and 4 1s are 4/12। तो देखिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ी वैल्यू है। तो हमारा हेमगांव का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हेमगांव एंड रावलपुर हैज़ मोर डिस्टेंस बाय कितने से ज़्यादा है। तो देखिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे /12। तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए LCM सेम है तो 12 आ गया। ऊपर की वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी 1185 - 488। तो ये कितना आ गया 15 में से 8 गया है 7 एंड 17 में से 8 गया इज 9, 10 में से 4 गया इज 6/12। तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए ना ये 3 से कट सकता है ना ये 2 से कट सकता है। तो हम क्या करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे कर रही हूँ साइड में 697 को डिवाइड किया 12 से, 12 5s are 60, 9 बचा 97 हो गया, 12 8s are 96, 1 बचा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, दैट इज़ 58 होल 1/12 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा है हेमगांव एंड रावलपुर का डिस्टेंस किससे, सोनापुर एंड रामगढ़ से। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है इफ़ यू ड्रोव फ्रॉम हेमगांव टू सोनपुर, हेमगांव टू सोनपुर अगर आप ड्रोव करते हैं, देखिए हेमगांव टू सोनपुर ड्रोव करते हैं तो ये डिस्टेंस आया, एंड देन फ्रॉम सोनपुर टू रावलपुर और उसके बाद सोनपुर टू रावलपुर करते हैं ट्रैवल तो ये डिस्टेंस आया। हाउ फार वुड यू ड्राइव, तो कितना दूर आप ड्राइव करेंगे ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बी पार्ट कर लेते हैं अपना। देखिए डिस्टेंस बिटवीन हेमगांव टू सोनापुर कितना डिस्टेंस है, देखिए हमारा डिस्टेंस है 100 होल 5/6 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये आ गया 605/6 किलोमीटर। और दूसरी चीज़ हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सोनापुर टू रावलपुर है 16 होल 1/2 किलोमीटर जो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। तो ये कितना आ गया 33/2 किलोमीटर। तो अब वो कह रहा है पहले आप हेमगांव टू सोनपुर गए और उसके बाद सोनपुर से रावलपुर गए तो टोटल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 605/6 को ऐड कर देंगे 33/2 में। इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो देखिए 2 और 6 में कॉमन है तो एलसीएम निकाल लेंगे 2 और 6 का। तो देखिए 2 और 6 का एलसीएम 2 से गया 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 तो ये कितना आ गया 2 3 ज़ा 6 तो 6 हमारा एलसीएम आ गया। अब 605 एज इट इज़ प्लस 2 3 ज़ा 6 होता है तो 3 की मल्टीप्लाई 33 में कर दे तो ये कितना आ गया 605 एज इट इज़ 33 3 ज़ा इज़ 99 अपॉन 6 तो ये आ गया 9 प्लस 5 इज़ 14 कैरी 1 10 कैरी 1 7 अपॉन 6। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4 दैट्स इट। और नहीं कट सकता है तो ये आ गया 3 5 2 अपॉन 3। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो देखिए 3 5 2 को डिवाइड किया 3 से तो 3 1 ज़ा 3 5 आ गया 3 1 ज़ा 3 22 3 7 ज़ा 21 1 बच गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 117 होल 1 अपॉन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल उसने कवर किया। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द टेबल शोज द पोर्शन ऑफ सम कॉमन मटेरियल्स दैट आर रिसाइकल्ड। इसमें कुछ कॉमन मटेरियल हैं जो रिसाइकल्ड होते हैं राइट। इज द रैशनल नंबर एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ पेपर रिसाइकल्ड मोर देन हाफ और लेस देन हाफ। जो रैशनल नंबर हमें पेपर रिसाइकल में शो कर रहा है वो मोर देन हाफ है या लेस देन हाफ है ये बताना है। तो ए पार्ट देख लेते हैं अपना। पेपर रिसाइकल्ड कितना शो कर रहा है पेपर रिसाइकल्ड शो कर रहा है दैट इज़ 5 अपॉन 11। तो हमें मोर देन हाफ और लेस देन हाफ बताना है तो कैसे निकालेंगे हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए अगर मैं 5 को डिवाइड करती हूँ 11 से तो पॉइंट आ गया 0 आ गया 4 ज़ा 44 बस इसी से पता चल जाएगा। देखिए ये 0.4 समथिंग आ रहा है राइट। अब हाफ हमें पता है 0.5 के इक्वल होता है तो दैट मीन्स ये जो पेपर रिसाइकल्ड है लेस देन हाफ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस 5 अपॉन 11 इज द अमाउंट ऑफ पेपर recycled less than half से कम है। Let's do next part now। Next part में कह रहे हैं which item have a recycled amount less than half। कि कौन कौन से ऐसे items हैं जिनका recycled amount less than half है। तो एक तो हमें पेपर का पता है कि पेपर का recycled amount लेस देन हाफ है और देख लेते हैं किसका है। तो बी पार्ट में देखिए एल्युमिनियम का देखें अगर तो वो दे रखा है हमें ये 5 अपॉन 8 और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से 5 को तो ये आता है पॉइंट लगा 0 आ गया 0.6 समथिंग आ रहा है तो 0.6 तो मोर है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ ये मोर देन हाफ है राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लास। ग्लास का रैशनल नंबर दे रखा है 2 अपॉन 5 और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे देखिए 2 को डिवाइड किया 5 से तो पॉइंट लगा 0 आ गया 5 4 ज़ा 20 तो 0.4 आ रहा है तो ये लेस देन हाफ है अब लास्ट है हमारा स्क्रैप। स्क्रैप दे रखा है हमें 3 अपॉन 4 और अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो 0.7 समथिंग आएगा जो कि मोर है तो मोर देन हाफ। तो हमें पता चल गया किस किस का लेस देन हाफ है तो वही लिख देंगे। Hence paper and glass, have a recycled amount, less than half, है आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट. में कह रहा है इज द क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम कैंस रिसाइकल्ड मोर और लेस देन हाफ ऑफ द क्वांटिटी एल्यूमिनियम कैंस. तो अभी हमने देखा था कि एल्यूमिनियम कैंस का रिसाइकल्ड क्वांटिटी जो है वो मोर देन हाफ है, तो वही लिख देंगे सी पार्ट में. एल्यूमिनियम cans have more than half recycled amount. more than half है recycled amount का. अब last part देखिए. last part में कह रहा है अरेंज द रेट ऑफ रिसाइकलिंग द मटीरियल फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. हमें अरेंज करना है इसको ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट से. तो अगर आप देखेंगे हमने अभी सेकेंड पार्ट में सबका निकाला था, वहीं से देख लेते हैं. देखिए अगर आप देखेंगे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना है तो सबसे ग्रेटेस्ट स्क्रैप है, देन एल्यूमिनियम है, देन पेपर एंड देन ग्लास है, वही लिखेंगे. पॉइंट्स में निकाल के देखा था हमने. First is scrap has greater recycled material, then it is aluminium cans, then है हमारा paper and last है हमारा glass. बुक में आंसर गलत दे रखा है तो कंफ्यूज मत होएगा, राइट सीक्वेंस यही है आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.